बैठू? कैसा लग रहा है? देख ले। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है तेरा? आई थिंक अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको जूते उतर के जाना पड़ेगा। तो आपका ये बैग मिल रहा है तो हम ले लेंगे एक बैग। गाइस आज का वीडियो तगड़ा अलग ही किस्म का होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली लोटस पार्क, मतलब जो लोटस टेम्पल है वहाँ जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और भी मज़ा आने वाला है, आगे देखते रहिए। तो गाइस इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ ओखला NSIC। तो यहाँ से मुझे ओनली फॉर 750 मीटर पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा जो लोटस टेम्पल। तो गाइस मैं मेट्रो में ज़्यादा बातें नहीं किया, तो मेट्रो से मैं सीधा पारी चौक से आया सेक्टर 51 एंड सेक्टर 50, फिर वहां से उतर के सेक्टर 52 पहुंचा, फिर वहां से मेट्रो चेंज करके आया मैं ओखला NSIC। तो चलते हैं गाइस, तो टेम्पल पहुंच के आपसे बात करते हैं। यहाँ कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ उसके अंदर, तो आपसे एंट्री करने के बाद बात करता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए इस तरह से प्रोसीजर है, इधर लेडीज के लिए इधर जेंट्स के लिए। तो मैं जा रहा हूँ अंदर। देख सकते हैं, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ इसके अंदर। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है, इस टेम्पल को देखने आए बहुत दूर दूर से लोग आए। तो मैं भी इसके बारे में बहुत जानकारी आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए आगे। अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको जूते उतर के जाना पड़ेगा। तो आपका ये बैग मिल रहा है तो हम ले लेंगे एक बैग। एक बैग लेके कोई अच्छा वाला बैग, चलो एक बैग ले लिया तो हम चलते हैं। फ्री सर्विस है जूते जमा करने के लिए, यू कैन गो फ्रॉम देयर, यू कैन गो। चलो तुम लोग उधर से जाओ। तो अभी मैं यहाँ पे जूता उतर लेता हूँ, मैं जूता उतर लिया, आप डाल लेता हूँ बैग में, इसके बाद चलेंगे अंदर। अरे यार ये डाल लिया बैग में, तब चलते हैं। ओनली जूते जमा कराने जाएंगे एक जना, आप ऐसा ही है। तो मैं अंदर पहुंच चुका हूं, मेरे हाथ में ये थैला है, इसमें जूता है। मैं पहले जूता जमा करूंगा, उसके बाद जाऊंगा टेंपल के अंदर। आई थिंक इधर नीचे जाना पड़ेगा मेरे लिए, हो जाता है कभी। हाँ जी बैग भी जमा कर सकते हैं। तो बैग अपने साथ संभाल के ले जाओ। तो मैं यहाँ पे जूता जमा कर लिया, जूता जमा करने के लिए मुझे एक टोकन मिला B22। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर।
ऊपर दिख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे सीढ़ियाँ चल इधर तो आ रही हूँ। अभी सीढ़ी से चढ़ के मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ खड़े मत होंगे कभी, आगे चलते रहेंगे। हेलो भैया, हेलो भैया, अब देख सकते हैं मेरे सामने कितना बड़ा टेम्पल है। तो मैं जा रहा हूँ अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया मोबाइल फोन बंद करके चले जल्दी जल्दी, एक लाइन। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल फोन बंद करने के लिए कह रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो अंदर चलते हैं अब। इस लाइन में लग जाए देख सकते हैं अंदर क्या क्या है। फोन बंद करने के लिए कह रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा अंतर फोन को दिखाने के लिए। इसके अंदर घुसते ही इतना ज्यादा ठंडक महसूस हुआ, क्या बताऊं। ये जो जगह है एक्चुअली हर रिलीजियस यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये जो बैठने का जगह है कम से कम 1300 लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं। सच में यार एक अलग ही फीलिंग आ रहा था इसके अंदर। मैं बयां नहीं कर सकता, इतना अमेजिंग था इसके अंदर। तो अभी मैं चल रहा हूँ नीचे की तरफ। ये भी देख सकते हैं। बात चीज के लिए तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके नीचे। इसके नीचे देखते हैं क्या क्या इसके लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। वाह पानी कितना नीला है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे बैठे मजे ले रहे हैं। तो रात में हम भी बैठे मजे लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे। वाह थोड़ा बैठ गया, बहुत गर्मी हुई है, क्या करूँ, अकेला अकेला यहाँ बैठा हूँ और इधर बहुत सारे ऐसे ही मजे ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक घूम लिया, अभी जा रहा हूँ बाहर। यार बैग फंस गया, तो अभी मैं जाके अपना जूता ले लूंगा। जूता मैंने ले लिया, अभी से पहन लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी मिलता है। आगे वो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होगा। अरे भाई साहब मैं सोचा तो ये मोबाइल चार्जिंग है, तो ये तो कुछ बॉक्स रखा हुआ।
तो चलिए यहाँ देखते हैं इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी मिलता है। अंदर जा सकते हैं वीडियो तो यूज़ कुछ नहीं कर सकते सर। इस फोटो के लेफ्ट साइड है बाहुला एंड उसके ब्रदर, और भी बहुत सारे है मुझे उतना मालूम नहीं, तो मैं कुछ थोड़ा वीडियो बनाया। इधर कुछ ऐसे ही तस्वीर दे रखा है, और इधर ऑटोमन एम्पायर का भी और भी जो जो एम्पायर गुजरा उसका भी सब कुछ दे रखा है। मैं उतना करीब से तो जान नहीं पाया, तो आपके लिए इसके इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहीं से जाके चेक कर लीजिएगा। अब अंदर तो घूम लिए, अब देखते हैं मार्केट में क्या क्या है, तो चलते हैं। गाड़ी भी बहुत सारे आ रहा है ऐसे, यहाँ पे तो इन्वेस्टर का बैग टूट गया, तो आगे चलते हैं। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ खाने का सामान बिक रहा है और ऐसे ही सनग्लासेस, आइसक्रीम, बच्चों का खेलने का सामान बिक रहा है ऐसे। तो मैं पहले एक आइसक्रीम खा लूँगा, अभी रोड क्रॉस कर लेता हूँ, ध्यान से वैसे बिजली ओके। हाँ भाई साहब, एक आइसक्रीम देना चॉकलेट। हाँ चलो आइसक्रीम तो खा लिया, आप चलते हैं आगे। यहाँ पे एक ताऊ जी सनग्लास दिख रहा है। हाँ ताऊ, सनग्लास कैसे दिए? 100 रुपये का। 100 रुपये का, अच्छा देखते एक सनग्लास ये वाला। ये वाला सनग्लास सही लग रहा है, बढ़िया। चलिए तो यही वाला ले लेते हैं। छोटू कैसा लग रहा है देख ले? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम है तेरा? हाँ क्या नाम है? बोले बोल बता नाम। क्या नाम है छोटे? हाँ क्या नाम? अच्छा सोनाल, जोर से बोल। सोनाल क्या करते हो, स्कूल में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? पढ़ता है। किसमें पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? तीसरी चौथी में। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया से पढ़ो। तो ये देख बच्चे मिल गए थे, जो मैं सनग्लास खरीद रहा था तो मेरे सामने आके वो कैमरे में देख रहा था, शायद उसको सनग्लास पहन के अच्छा लग रहा था, मैं भी उसका थोड़ा तारीफ कर दिया। और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे से मिलने में बहुत मज़ा आता है, तो आगे चलते हैं और क्या क्या मिलता है देखने के। तो सनग्लास पहन के यार बहुत बढ़िया लग रहा है, देखते और क्या किया जाए। यहाँ भीड़ भी बहुत लगा है मार्केट में। ये आपका पीछे ये था गेट लोटस टेम्पल का, मैं जा रहा हूँ आगे। तो अंदर में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, तो इसके बारे में बैठ के अब से इसका जो हिस्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कुछ खा लेंगे, बहुत तेज भूख लग गया यार। क्या खाए क्या खाए, प्रेजर अच्छा तो लग रहा है ना।
यार अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो यार, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कर देना जरूर। क्या खाए मोमोज, अभी दोपहर में मोमोज अच्छा मिलेगा यार, और क्या खाया जाए वैसे। चलो गाइस खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो मैं खाना खा के अभी आया, जस्ट टेम्पल के साइड में एक फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे रिलैक्स करने, तो आगे देख जंगल में जगह, तो यार बहुत मस्त जगह है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ का नजारा, इधर क्या हो सकता है यार। यहाँ पे जस्ट ऐसे ही पार्क बना हुआ है, देखने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बैठ के पार्क का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे जगह बना हुआ है, तो यहाँ एक छोटा गेट दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, आगे मेट्रो स्टेशन भी है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो मिल तो गाइज अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ, तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए और वीडियो के तलाश में, तो तब तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।